होवा में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के गेट मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता रावल गुप्ता यूनिट कैशियर ने की। मंच संचालन गुरुचरण संधु यूनिट सचिव ने किया। आज गेट मीटिंग कौशल रोजगार निगम को भंग करने व न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग के समर्थन में गेट मीटिंग की गई। आज ओपीएस बहाल संघर्ष समिति की मीटिंग हरियाणा सरकार के साथ है। गुरुचरण संधू ने कहा कि हरियाणा सरकार को आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ जो वार्ता है, सरकार को समिति की मांग को ध्यान में रखकर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें, कौशल रोजगार को भंग कर सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। जब तक सरकार नियमित नहीं करती तब तक कर्मचारियों के सेवा नियम बनाए। कर्मचारियों की मांगों को यदि हरियाणा सरकार ने लागू नहीं किया तो यूनियन जल्द ही बड़ा आंदोलन हरियाणा सरकार के खिलाफ करेगी। इस मौके पर मुकेश गोस्वामी, नरेश कुमार लाइनमैन, विनोद कुमार जेई, पंकज पुरी, बलवान फकीर चंद, सौरभ संदीप सिंह, सुखविंदर अशोक, जॉनी वर्मा, सुरेंद्र जोगिंदर, ईश्वर आदि कर्मचारी उपस्थित थे। पेहोवा यूनिट सचिव गुरुचरण संधू। गुरुचरण संधू ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का यूनिट सचिव, आज हमारी गेट मीटिंग सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक थी, जिसमें आज ओल्ड पेंशन बहाली संघर्ष समिति की हरियाणा सरकार के साथ बातचीत है, उसके समर्थन में हमने आज गेट मीटिंग की है और कौशल रोजगार को बंद करने के लिए भी गेट मीटिंग थी। हमने हरियाणा सरकार से यही मांग करते हैं कि हरियाणा कौशल विभाग को बंद किया जाए और पुरानी पेंशन लागू की जाए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।